देशों में लोग मास्क पहनते हैं और कुछ में नहीं पहनते हैं। बिना मास्क के आप हांगकांग, सियोल या टोक्यो में घर से बाहर निकलेंगे तो आपको अजीब नजरों से देखा जाएगा, लेकिन अमेरिका, यूके, सिडनी, सिंगापुर में लोग बिना मास्क के घूमते दिख जाएंगे और ये किसी के लिए बड़ी बात भी नहीं। कुछ देशों में मास्क जरूरी है और कुछ के लिए नहीं। ये सिर्फ सरकार के निर्देशों या मेडिकल एडवाइस की ही बात नहीं है, बल्कि ये इतिहास और कल्चर का भी मामला है। मगर महामारी के बिगड़ते हालात को देखते हुए क्या कुछ बदलेगा? कोरोना वायरस के शुरू होते ही WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्पष्ट कर दिया था कि सिर्फ दो तरह के लोगों को ही मास्क पहनने की जरूरत है। एक तो वो जिनमें लक्षण दिख रहे हैं, बीमार हैं, और दूसरे वो लोग जो बीमार की देखभाल कर रहे हैं। इसके अलावा किसी को मास्क पहनने की जरूरत नहीं, और इसके कई कारण हैं। पहला ये कि मास्क कोई बहुत कारगर उपाय नहीं है बचने का। अभी हाल की रिसर्च बताती है कि ये वायरस ड्रॉपलेट से फैलता है, इसलिए एक्सपर्ट कह रहे हैं कि साबुन और पानी से हाथ धोते रहें और यही सबसे बढ़िया बचाव का उपाय है। अब मास्क निकालने में भी हाथों में संक्रमण हो सकता है, और मास्क पहनने से आपको एक गलत एहसास हो सकता है कि बस अब कुछ नहीं होगा, अब हम सेफ हैं। हालांकि एशिया के कुछ हिस्सों में लोग मास्क पहने नजर आते हैं। हांगकांग, चीन, जापान, थाईलैंड, ताइवान वगैरह में ये माना जाता है कि कोई भी वायरस का कैरियर हो सकता है, इसलिए दूसरों को खुद से बचाने के लिए लोग मास्क पहनते हैं। कुछ सरकारें तो खुद लोगों को मास्क पहनने के लिए कह रही हैं, और चीन के कुछ हिस्सों में ना पहनने पर अरेस्ट भी करती हैं। अब जैसे इंडोनेशिया और फिलीपींस में ये डर है कि अभी सब केस रिपोर्ट ही नहीं हो रहे और संक्रमित लोगों की संख्या ज्यादा निकलेगी, इसलिए वहां के बड़े शहरों में लोगों ने खुद ही मास्क पहनना शुरू कर दिया है। कुछ देशों में तो मास्क पहनना कोरोना वायरस के पहले से ही कल्चर का हिस्सा रहा है, फैशन स्टेटमेंट तक रहा है। हांगकांग में हेलो किटी मास्क काफी ट्रेंड में रहे। पूर्वी एशिया के देशों में तो बीमार होते ही लोग मास्क पहनते हैं, क्योंकि वहां ओपनली छींकना या खांसना बुरा माना जाता है। 2003 में सार्स वायरस के वक्त से ही हांगकांग जैसी जगहों पर मास्क का चलन शुरू हो गया था। तो पश्चिमी देशों और बाकी जगहों में एक अंतर ये है कि एशियाई देशों ने महामारी पहले भी काफी देखी है और उसकी याद अब भी उनके जहन में दर्दनाक है। दक्षिण पूर्वी एशिया में जहां भारी जनसंख्या वाले शहर हैं, वहां प्रदूषण की वजह से भी लोग मास्क पहनते हैं, लेकिन पूरे एशिया में ऐसा नहीं है। सिंगापुर में सरकार ने लोगों से कहा है कि मास्क ना पहनें, क्योंकि इससे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास मास्क की किल्लत हो जाएगी। वहां लोगों को सरकार में भरोसा भी है, इसलिए वे सरकार की सुनते भी हैं। हांगकांग यूनिवर्सिटी के एपिडेमियोलॉजिस्ट बेंजामिन कॉलिंग कहते हैं कि ऐसा नहीं कह सकते कि मास्क पूरी तरह इनइफेक्टिव हैं। हम मानकर चलते हैं कि कुछ तो फर्क पड़ता ही है, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी तो यही प्रोटेक्शन है। अगर एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर कई लोग मास्क पहनते हैं तो पब्लिक ट्रांसमिशन पर कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, और इस वक्त हम हर छोटे मोटे उपाय कर रहे हैं ताकि संक्रमण को कम किया जा सके। लेकिन इसका एक नुकसान ये हुआ कि जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड में मास्क की कमी हो गई। साथ ही ये भी खतरा है कि लोग मास्क को दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है, और होममेड मास्क की क्वालिटी भी सही नहीं होती, एक तरह से यूजलेस होता है ये होममेड मास्क। सबसे बड़ा खतरा है अनडॉक्यूमेंटेड केसेस का। कैसे? धीरे धीरे ये बात सामने आ रही है कि बहुत से लोग साइलेंट कैरियर्स हैं वायरस के, मतलब वे हेल्दी दिखने वाले लोग जिनमें बहुत कम या ना के बराबर लक्षण दिखते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपे चीन सरकार के डेटा से पता चला कि एक तिहाई कोरोना पॉजिटिव लोगों में कोई लक्षण ही नहीं दिखा था। डायमंड प्रिंसेस जहाज पर फंसे 600 यात्रियों में से आधे लोगों में कोई लक्षण ही नहीं था, लेकिन वे कोरोना पॉजिटिव थे। आइसलैंड में भी ऐसे कई केस सामने आए जहां कोरोना पॉजिटिव लोगों में लक्षण नहीं थे। आइसलैंड का कहना है कि वो दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा टेस्ट कर रहा है। तो अब ये बात भी उठ रही है कि अगर इतने साइलेंट कैरियर हैं तो शायद उनके मास्क पहनने से दूसरे लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा कम हो सकता था। अभी भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि COVID-19 पर लगातार रिसर्च जारी है, लेकिन शायद इस महामारी के बाद लोग अपने रहन सहन में कुछ बदलाव लाएंगे और मास्क भी इस नए कल्चर का हिस्सा हो सकता है।